भारतीय क्षत्रिय महासभा हिमाचल प्रदेश की एक बैठक आज विश्राम गृह फतेहपुर में महासभा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बच्चन सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देश व प्रदेश स्तर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा प्रदेश में महासभा की सदस्यता अभियान को तीव्र गति से शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक उपरांत नेशनल कोऑर्डिनेटर बच्चन सिंह राणा के नेतृत्व में नायब तहसीलदार फतेहपुर प्रेम शर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया, जिसमें आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन से नेशनल कोऑर्डिनेटर ने बताया कि राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा जो पूरे देश में कार्य कर रही है, वह शनिवार से आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश में ज्ञापन सौंपने का काम शुरू कर रही है, जिसकी शुरुआत फतेहपुर से की गई। उन्होंने कहा, महासभा प्रधानमंत्री सहित केंद्र प्रदेश सरकारों का ध्यान जगह जगह बढ़ रहे नशे के कारोबार की तरफ भी दिलवाना चाहती है, जिस कारण हमारे युवा नशे के दलदल में पड़ते हुए अपना भविष्य धूमिल कर रहे हैं। इसके साथ महासभा ने ज्ञापन के जरिए प्रधानमंत्री से सामान्य जनजाति कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की भी मांग की है। हमारा जो 4 या 5 मुद्दे हमारे जो आज हमने तय किए, सर्वप्रथम मुद्दा ये रहा कि हम यहाँ जो आरक्षण की बात चल रही है, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए और पूरे देश में सामान्य तौर पर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने का हमने यहां से अभियान शुरू किया। हिमाचल प्रदेश की इकाई आप लोगों के थ्रू, पठानिया जी, कैप्टन पठानिया जी, मेनास जी और आप सभी लोगों ने यहां से मेरे साथ इसका शुभारंभ किया है फतेहपुर से। नंबर 2, हमारा मुद्दा सेक्शन में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, यहां हिमाचल प्रदेश की या देश की, हमारे महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर और अन्य किसी क्षेत्र में जो महान उपलब्धियां प्राप्त करी, उन लोगों के संस्कार बताने का एक स्वर्णीय अवसर है हमारे पास, ताकि हम अपने पाठ्यक्रम में उसे ढालें, उसको पाठ्यक्रम में लिखवाएं, तो हमारे बच्चे उसको पढ़ें और उससे प्रेरित होकर अच्छे संस्कारों का उनमें बुनियादी तौर पर उनका निर्माण हो। तो उसके लिए भी हमारा ये प्रयास है कि कहीं ना कहीं मुगलों की हिस्ट्री। तीसरा, हमारा युवा, आज हमारा युवा बहुत परेशान है। युवाओं के लिए हमारा एक तो नशाखोरी मुक्त अभियान शुरू करना है, तीसरा जो युवाओं को आज रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए सरकार के लिए भी हमने अपने इस नए अनुमोदन में लिखा है ज्ञापन पत्र में कि युवाओं के लिए भी हमारी सरकार जो सिर्फ केंद्र में बैठी हुई है और हमारी यहाँ की राज्य सरकारें मिलकर आपस में निजी कंपनियों के साथ समन्वय बिठाएं और किसी न किसी तरह हर युवा तक पहुँचने का प्रयास करें, उनको नौकरियों के अवसर उपलब्ध। गगन ललगोत्रा, दिव्या पंजाब टीवी, इंदौरा, हिमाचल प्रदेश।